नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं एरोकोर्ट इनहेलर के बारे में। एरोकोर्ट इनहेलर को मशहूर कंपनी सिप्ला कंपनी बनाती है, जिसकी प्राइस है 301 रुपये और 14 पैसे पर पैक। ये 200 मीटर डोज होता है, इसमें जो कंटेंट लगे हैं वो हैं बेक्लामेथासोन, डीप्रोपायनेट 50 mcg और लिवोसाल्बुटामोलसिन 50 mcg। इसका यूज़ आप स्पेशल डॉक्टर सलाह से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इनहेलर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। एरोकोर्ट इनहेलर दो दवा की कॉम्बिनेशन एक एंटी अस्थमेटिक दवा है, जो अस्थमा यानी दमा का इलाज करने का काम करती है, और भी आपको COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की समस्या है तो भी इसका यूज़ काफ़ी असरदार है। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो एयरवेज है वो मतलब सिकुड़ जाती है या फिर उनमें सूजन जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो ऐसे में इसका यूज़ काफ़ी इफेक्टिव है। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी एयरवेज सिकुड़ जाती हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती हैं, तो ऐसे में इसका यूज़ उन जो आपकी सांस नलियाँ हैं उनको चौड़ा कर देता है, जिससे आपको दमा की समस्या में आराम मिल जाता है। इस टाइम आपको छाती में जकड़न रहना, गड़गड़ाहट की समस्या होना, सांस फूलना और खांसी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ऐसी सभी समस्याओं में ये काफ़ी राहत देते हैं। इसमें जो लिवोसाल्बुटामोल है वो एक ब्रोंकोडायलेटर है, जो ब्रोंकियल ट्यूबों में जो चिकनी मांसपेशियां हैं उनको आराम से काम करने में हेल्प करता है, और बेक्लामेथासोन एक कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवा है, जो अस्थमा की वजह से होने वाली वीजिंग, शॉर्टनेस और ब्रीथ में आपको आराम दिलाती है। ये शरीर में उन प्राकृतिक पदार्थों को रिलीज होने से रोकने का काम करते हैं जो एयरवेज में सूजन का काम करते हैं। अगर आपके फेफड़ों में सूजन आ गए हैं, ब्रोंकोस्पास या फिर एम्फिसिमा की स्थिति बन रही है, तो भी डॉक्टर इसे यूज में लेने की सलाह आपको दे सकते हैं, या फिर आपको एलर्जी के कारण जैसे धूल मिट्टी या फिर पालतू जानवरों के संपर्क में आते हैं या उनके संपर्क में आने के कारण आपको सांस फूलने लग जाती हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हो इस कारण आपको सांस लेने में दिक्कत रहती है, कई लोगों को ब्रोंकोस्पास्म के कारण एक्सरसाइज करते टाइम या फिर रनिंग के दौरान सांस चढ़ने लग जाती हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं में इसका यूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा आराम दिलाता है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अस्थमा के स्टार्टिंग में ही अगर आप इसका प्रॉपर इलाज करा लिया जाए तो ये काफ़ी हद तक मतलब ठीक हो सकता है, इसे काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, पर अगर ये समस्याएं लंबे टाइम तक रह जाती हैं और अगर हमने इसका समय पर इलाज नहीं कराए तो ये बढ़ सकता है और हो सकता है कि फिर इसे आपको लाइफ टाइम तक हैंडल करना पड़े। अस्थमा के टाइम आप ध्यान रखें कि जहाँ तक हो सके मुंह पर हमेशा मास्क वगैरह या फिर कोई भी कपड़ा वगैरह बांध कर रखें, जिससे कि धूल मिट्टी या फिर जो भी धुआं है उससे बचा जा सके, और हो सके जहाँ तक आप धूल मिट्टी या धुएं में मतलब काम नहीं करें तो ठीक रहेगा, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। जानते हैं इसके सावधानियों के बारे में, तो अगर आपको फेफड़ों के संबंधी कोई गंभीर समस्या है या फिर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्टफीडिंग मदर हैं, तो इसे सभी कंडीशंस में इसका यूज़ करने से पहले आपकी जो भी स्थिति है वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। डोज की अपन बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में से दिन में 1 से 2 बार दिन में आपको सुबह शाम आपको इनहेल करने की कहा जाता है, और अगर आपकी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसका डोज डॉक्टर्स आपके ऊपर जो भी आपकी कंडीशन रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, उसके अनुसार देंगे। ध्यान रखें कि एक चीज़ कई लोगों का उम्मीद होता है कि इसे यूज़ करने के बाद आपको इसकी लत लग जाती है, तो ऐसा नहीं, इसकी आपको लत नहीं लगती है, और इसे इनहेल करने के बाद आप पानी से कुल्ला जरूर करें, मतलब क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके दांत खराब हो सकते हैं और कई बार मुंह में इन्फेक्शन तक हो जाता है। जानते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो इससे आपकी आवाज़ में भारीपन या कर्कशता हो सकती है, गले में इरिटेशन फील हो सकता है, और आपको उल्टी या जी घबराने की समस्या आपको नजर आ सकती है। ये जो साइड इफेक्ट हैं ये कुछ टाइम लेते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हो सकता है कि अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट हो या फिर ये साइड इफेक्ट अगर लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तब ऐसे में आप इसका यूज़ बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।